हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू ऑफ नीट विस्पर सीरीज हमने कल से स्टार्ट किया था ये रिविजन क्लासेस क्योंकि नीट एक महीने में है और हमें इतना जब हमारा शेड्यूल स्ट्रीम स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाता कि इस महीने क्या करना है क्या नहीं करना है किस तरीके से करना है क्या प्रैक्टिस करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए तो उसके लिए हमने लास्ट मंथ में ये सीरीज लॉन्च की है सो so, कल हमने पढ़ा था वन डायमेंशन मोशन ठीक है आज हम कवर करने वाले टू डायमेंशन मोशन मोशन इन प्लेन बेसिकली तो बेसिकली वो कल भी हमने थोड़ा तो डिस्कस किया था कि टू डायमेंशन मोशन है क्या जहां पे पार्टिकल के दो कोऑर्डिनेट्स चेंज चेंज हो रहे हो तो सपोज ये मेरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है और अगर मैं ऐसे मूव कर रही हूँ तो किसी टाइम के साथ मेरा एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ है तो उस टाइम तो वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है आर यू गेटिंग दिस तो हम यहां से लेके यहां तक पहुंचे तो मेरे एक्स कॉर्डिनेट में अगर चेंज आए तो मेरे वाई कॉर्डिनेट में भी चेंज आया है और इसी को हम टू डायमेंशन मोशन बोल रहे हैं ठीक है अच्छा तो इसके हम कैसे स्टडी करते हैं देखो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं बहुत डिफरेंट और डिफिकल्ट नहीं है वन डायमेंशन मोशन से ठीक है इसमें इतना है वन डायमेंशन मोशन में लेते हैं टू यू प्लस एटी एक्स इक्वी प्लस टू ए एस तो हम इस तरह से लिखते हैं ये हम इक्वेशन टू डायमेंशन में भी यूज करेंगे और बस फर्क इतना होगा कि हम जब एक्स डायरेक्शन को डील करेंगे तो सिर्फ हम एक्स डायरेक्शन की और जब वाई डायरेक्शन को डील तो सिमिलरली अगर अगर थ्री डी मोशन है तो अगर उसमें जेड डायरेक्शन भी है जेड डायरेक्शन मोशन हो रहा है तो हम उसमें सेपरेटली डील करेंगे Z velocity, Z का Z तो बेसिकली होता क्या है देखो अगर ये फंडामेंटल आइडिया समझ आता है तो हमारे लिए चीजें बहुत हो जाती है मेरे पास इक्वेशन होती है प्लस वीवाई जे कै प्लस वी जेड ठीक है इज इक्वल को क्या लिख सकती हूँ यू एक्स आई कै प्लस यू जेक है प्लस यू जेड k कैप ये तो u वेक्टर लिख दिया प्लस प्लस दिस a वेक्टर t विच इज एक्स आई कै प्लस ए जेड के कैप इन टू टी अब एक काम करो आई आई को एक साथ ले लो जेड जेड कॉम्पोनेंट को एक साथ ले लो के एक साथ ले लो तो भी बस इक्वेशन क्या बनेगी ये बनेगी वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स के कैप. अब देखो यहां का जो I कॉम्पोनेंट है वो इस वाले I कॉम्पोनेट से कंपेयर किया जा सकता है है ना दो वेक्टर अगर दो अगर वेक्टर इक्वल है तो उनका एक्स कॉम्पोनेट एक दूसरे के इक्वल होगा कॉम्पोनेट भी एक दूसरे के इक्वल होगा और जेड कॉम्पोनेट भी एक दूसरे तो चीज है मेरे लिए सिमिलरली वी वाई इज इक्वस टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी सिमिलरली वी जेड इज इक्वस टू यू जेड प्लस ए जेड इंटू बेसिकली यही इक्वेशन है जो हमने स्टार्टिंग में लिखी है ठीक है बस हम उसको इंडिविजुअली सेपरेट सेपरेट डायमेंशन में ट्रीट कर रहे हैं और ये हम सिमिलरली सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के साथ भी कर सकते हैं और थर्ड इक्वेशन के साथ भी कर सकते हैं जस्ट गिव मी अ मिनट आई एम नॉट एबल टू सी दी कॉमेंट जस्ट गिव मी अ मिनट just Just checking up the my, my comment section. give क्शन जस्ट किम ओके तो अगर आपको ऐसा कुछ भी है जो बीच में अगर किसी तरह का इश्यू है hmm. Hmm. चलो हम आगे बढ़ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोजेक्टाइल मोशन इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है मोशन ग्रेविटी है किसी एंगल पे हमने थ्रो किया है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में so, वाई डायरेक्शन में वो भी डाउनवर्ड है एक्सीलरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में और डाउनवर्ड है क्योंकि जो पूरा का पूरा पिक्चर यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है ग्रेविटी

एक सेकेंड ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है ठीक है और ये थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ इसे कंपोनेंट कर लो एक्स टाइप में क्या होगा यू कॉस थीटा हो जाएगा और वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा यू साइन थीटा हो जाएगा ठीक है कुछ नहीं किया है मैंने इसे कंपोनेंट किया है बस एक ये कॉम्पोनेंट है वाई डायरेक्शन का और ये एक्स डायरेक्शन का ओके हमें इसमें कुछ चीजें पढ़नी है कि भाई ये कितने टाइम में लैंड कर जाएगा वापस ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा ये मैक्सिमम कितने कवर ये हमारी मतलब की ही रहती है, है तो एक बार फ्लाइट देख लेते है। फ्लाइट मतलब जब से उसने, उसने स्टार्ट किया और वो कब तक लैंड किया उस टाइम को पढ़ रहे हैं तो अगर मैं यहाँ से मोशन स्टार्ट करती हूँ करती हूँ अच्छा हम इसको कैसे देखें देखो अगर मैं किसी टाइम पर देखूं तो बॉडी की

बिल्कुल नीचे होगा इस तरीके से और ये वेलोसिटी ऐसे होने वाली तो इस पॉइंट पे अगर रिजल्टेंट देखे तो ये ऐसे इस पॉइंट पे रिजल्टेंट देखे तो ऐसे इस पॉइंट पे तो रिजल्टेंट ऐसे ही है इस पॉइंट पे रिजल्टेंट ऐसे और ये रिजल्टेंट ऐसे ओके सो okay? so अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए चले तो ये कुछ ऐसा मोशन होने वाला है ठीक है तो बेसिकली होता क्या है वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है फिर वो डिक्रीज होती है डिक्रीज होती है डिक्रीज जीरो होती है फिर वो बॉडी वाई डायरेक्शन में मूव करना चालू करता है और फिर वो लैंड अप कर जाता है अच्छा हमारी कुछ चीजें हम समझ लेते हैं उसको है है, तो है थ्रो किया था ये हम वाई डायरेक्शन की बात हैं राइट जब ये नीचे वापस हिट होती है तो इसकी वही वेलोसिटी वही स्पीड होती है जिससे हमने थ्रो किया था बस डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है तो अगर मैं इधर भी ध्यान से देखूं

तो नंबर पॉइंट है जो ध्यान रखने वाला है जिस वेलोसिटी से ये यहाँ पे प्रोजेक्ट होता है उसी वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करता है ठीक है थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं जब आगे बढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं अच्छा हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाले अभी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसमें ना ऑब्जर्वेशन है अगर आप लोग देख पाओ तो ये बॉडी है ना एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी से मूव की जा रही है

अच्छा ऐसा कुछ भी हो जो आप लोगों को लगे कि वापस एक्सप्लेन कर देना चाहिए या नहीं समझ आए तो यू में पुट इन द कमेंट सेक्शन चेकिंग तो ऐसा कुछ भी है जो लग रहा है कि वाई okay? तो डायरेक्शन का नेट डिस्प्लेसमेंट पूरी जर्नी के लिए जीरो अच्छा. तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस ए वाई इंटू टी हाँ मैं ये लिख सकती हूँ इसको शायद थोड़ा सा आपको इस लोग आप लोगों को थोड़ा थो इधर विजिबल नहीं होगा इधर लिखते हैं और एक काम करते हैं एक और पेज ऐड कर हैं मैंने क्या बोला आप लोगों को कि नेट डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज जीरो मतलब एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो मेरा प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा है ये मेरे पास u है ये थीटा है तो ये u cos थीटा

टी स्क्वे टू जीरो काम करो टी कॉमन ले लो तो टी कॉमन ले तो यू साइन थी माइनस जी टी बाय टू इज इक्वल टू जीरो इसको जीरो पुट करेंगे तो यहां से जो टी निकल के आएगा वो निकल जाएगा टू यू साइन थीटा बाई जी अब ये टू देखो यहां से एक तो इसको जीरो पुट करने पर इस एक इसको जीरो पुट करने में भी टी की वैल्यू जीरो निकल के आती है मतलब दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो बेसिकली या तो ये जीरो रहा होगा

ये यू थीटा और ये यू साइन थीटा क्या ये एक्स और, है? यू थीटा को क्या मैं और वाई डायरेक्शन की तो कुछ कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट विजुअलाइज करना इजी है इससे ठीक है नाउ मैक्सिमम हाइट रीच मैक्सिमम हाइट रीच निकालना तो मतलब वाई डायरेक्शन का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वाई डायरेक्शन का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब निकालते हैं

और एक्सिलेशन कितना हो गया माइनस जी हो गया तुम सेकंड इक्वेशन पुट करोगे तो तुम्हारा ये रिजल्ट में फॉर्मूला तो गया अच्छा और यहाँ पे एक रिजल्ट लिख रखा है यू स्क्वायर थीटा को लिख रखा है यू वाई का स्क्वायर तो यू वाई यू साइन थीटा है बेसिकली तो बेसिकली डायरेक्ट फॉर्मूले याद रख लो इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली यूज करेंगे अपन एक बार श्योर से रिवाइज लोग कुछ ना कुछ लिख रहे हो या फिर फोन चला के और ऐसे बैठ जाएगा तो नहीं होगा ठीक है और एटलीस्ट आफ्टर मी द टाइम ऑफ लाइट टू यू साइन थी एंड व्हाट इज दाइट यू स्क्र साइन स्क्वायर ओवर टू जी याद होना चाहिए नेक्स्ट आ जाते हैं अच्छा इधर आ जाते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है बॉडी इज थ्रोन विदोसिटी नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल थर्टी डिग्री विदिजॉन्टल इट विल हिट द ग्राउंड टाइम कितने के बाद वो ग्राउंड पे हिट करने वाला है वो कितनी है सॉरी ये टोटल वेलॉसिटी दे रखी है यू वाई नहीं दे रखा है इनिशियल वेलॉसिटी है वो दे रखी है 30 डिग्री दे रखा है

आगे बढ़ जाते मैक्सिमम हॉजोंटल रेंज ऑफ पार्टिकल आर क्या है particle की maximum horizontal range है। तो कितनी होगी? निकालनी है। अच्छा तुम यहाँ पे ध्यान से देखो। maximum... अच्छा हॉर्जोंटल रेंज एक सेकंड ना, वो अपने पास आया नहीं अभी डू दिस वरी ये कर लेते हैं हाँ

U को मैंने क्या किया है यू इंटू यू किया है तो तुम एक काम करो इसको इस, इस तरह से लिखो एक यू तो साइन थीटा के साथ लिख दो बाहर थीटा जी तो कुछ नहीं किया मेरे पास दो यू थे यू तो मैंने एक को साइन थीटा के साथ लिखा एक को cos के साथ लिखा. अच्छा, क्या तुम्हें ये दिख पा रहा है कि ये इनिशियल एक्स वाई डायरेक्शन की और ये जो है इनिशियल एक्स डायरेक्शन की ठीक है तो क्या मैं इसको तो यूवाई यू तो और यू एक्स लिख सकती हूँ जी कुछ नहीं है सेम ही चीज है बट एक इंटरकन्वर्टेबल फॉर्म है तो मैंने साइन टू थीटा को लिखा टू साइन U स्क्वायर में से एक यू साइन थीटा के साथ एक यू थीटा के साथ और उसको जब रिप्लेस किया तो मेरे पास ये इक्वेशन निकल के आ जाती है इसकी इक्वेशन ऑफ प्रेजेक्ट्री हाँ इसको डायरेक्ट याद कर लो ठीक है इक्वेशन ऑफ प्रेजेक्टरी क्या होती है बेसिकली कोई भी मोशन uh, है अगर उसकी प्रेजेक्टरी निकालनी है तो बेसिकली प्रेजेक्टरी का मतलब है कि अगर उसका तुम्हें कोऑर्डिनेट X कोऑर्डिनेट X और, X coordinate और y coordinate में रिलेशन चाहिए ठीक है प्रेजेक्टरी का मतलब है कि अगर वो किसी प्लेन में मूव तो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन है वो चाहिए तो ये थोड़ा सा देखने में डिफिकल्ट लग रहा है पर यह है नहीं

u cos थीटा ही रहने वाला है क्योंकि ये कॉम्पोनेंट का भी चेंज नहीं होता है ठीक है तो इस पॉइंट पे भी ये जो कॉम्पोनेंट होगा वो u cos थीटा ही रहेगा बट u u sin थीटा चेंज होगा और u sin थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं vy is equals to uy plus at ठीक है uy plus at तो vy को लिख सकते हैं u sin थीटा माइनस ऑफ जी टी ठीक है तो मैंने इसको vy निकाल लिया यहाँ से और ये vx निकल तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी हो गई vx i कैप प्लस vy j कैप ठीक है आई थिंक ये वाला पार्ट आपको इजल नहीं हम इधर लिखते हैं थोड़ा तो सा तो मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई है मेरे पास vx i कैप प्लस vy j कैप ओके बस कुछ नहीं करना है अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है अगर तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो तो क्या होगा u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर ठीक है तो अगर हम इसको थोड़ा ओपन अप करते हैं तो मेरे पास कैसे हो जाएगा इसको इस स्क्वायर इस में इसको ओपन अप करो थोड़ा सा तो मेरे पास हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ यू साइन थीटा इंटू आर यू विद मी समझ लो क्या कर रहे हैं अपन

तो बेसिकली टू वैल्यू नाइनटी डिग्री होती है तब वो आर मैक्सिमम हो जाएगा होती है, okay? अगर हम इसको देखें हाइट कब मैक्सिमम होगी हाइट होगा मैक्सिम स्क्वायर थीटा मैक्सिमम कब होता है थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी नाइनटी डिग्री तो बेसिकली रेंज तो मैक्सिम हाइट जब मैक्सिमम होगी जब हमने एक्जेक्टली ऐसे थ्रो किया मैक्सम हाइट ऐसे लेगा वो और रेंज मैक्सिमम कब होगी जब हमने उसको फोर्टी फाइव डिग्री पे थ्रो किया ऐसे

तो ये हाइट पूछ रहा है वो 90 डिग्री वाली हाइट नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में ठीक है अच्छा तो रेंज मैक्सिमम रेंज जो होती है वो होती है यू स्क्वेयर साइन टू थीटा ओवर जी रेंज मैक्सिमम कब होती है 90 डिग्री पे होती है ठीक है सॉरी 45 डिग्री पे होती है तो तो ये वन हो जाएगा ये वैल्यू तो मेरे पास ये रेंज मैक्सिमम की वैल्यू जो आ जाएगी आर मैक्स की जो वैल्यू आ जाएगी जो क्वेश्चन में आर दे रखी है बेसिकली मैक्सिमम रेंज इज इक्वल आ जाएगा साइन टू बेसिकली वन हो जाएगा अच्छा

फोर क्या ये कर पा रहे हैं सब लोग जो है यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट प्रेजेंट है हमारे पास थियोरिटिकल है केस ऑफ एन ओब्लिक प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइलॉसिटी टू एक्सलेशन ठीक है ओब्लिक प्रोजेक्शन है

क्लिक होगा क्योंकि मैं जब प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन तो अगर, अगर मैं इक्वेशन को लिख पाऊं तो मेरे लिए प्रोजेक्टरी निकालना तो वन देखो वन कहां से आ रहा है वन तो दिख ही रहा ना इस इक्वेशन में तो एक काम करते हैं इस इक्वेशन को रीराइट करते और सिक्सटीन एक्स 16X minus X square by 4 है। एक काम करो उसमें से 16x कॉमन ले लो तो इधर बचेगा ठीक है? कॉमन लिया ना तो इसीलिए हा मुझे हाँ मुझे दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा थो 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 और सिंप्लीफाई एक एक हो जाएगा तो ऊपर एक एक्स बचेगा और नीचे बचेगा चौंसठ सिक्सटी फोर तो वाई की हो गई है मेरे लिए ठीक है तो अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स ओवर आर तो r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 64 है ठीक है r की वैल्यू कितनी है 64 है कुछ नहीं करना इक्वेशन को कंपेयर करना है बट तुम्हें पहले फॉर्म में लेके आना पड़ेगा ठीक है तो आंसर कितना होगा सिक्सटी फोर कितने लोगों का सिक्सटी फोर आया है इसमें क्या है, आप लोगों को समझ आया है आर यू गेटिंग दिस ऑल दोज हु सिटिंग हियर नो

आगे बढ़ जाते हैं ओके अगला क्वेश्चन है हमारा देखो आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो अपने आंसर्स यहाँ पे लिख सकते हो ठीक है व्हाटएवर यू आर सॉल्विंग व्हाटएवर यू आर गेटिंग जस्ट यू मे राइट योर आंसर्स है? ओके द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज √3 2 टाइम्स ऑफ 2 अच्छा मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितनी होती है मैक्सिमम हाइट पे कितनी होती है

तो मुझे हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी रेंज कितनी होती है यू में रिपीट बाई जी सिक्सटी डिग्री की वैल्यू कितनी होती है रूट थ्री बाई टू सो दिस इज रूट थ्री बाई टू यू स्क्वायर बाय जी ओके आई होप एवरीबडी इज विद मी देखो ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ और वो आपको समझना भी चाहिए कि अगर आप भले ही ये वर्चुअल क्लासेस हैं क्लासरूम जैसा डिसिप्लिन या फिर क्लासरूम जैसा माहौल नहीं है बट इट डिपेंड्स ऑन योर सिंसियरिटी लेवल अगर आप लोग आर आर यू यू इफ विद टीचर एंड कॉन्स्टेंटली जस्ट यूजिंग योर हेड एंड पेन एंड पेपर इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू अगर हम इसको सिर्फ बैठ के देखेंगे ना तो बिल्कुल ऐसी मूवी जैसा होगा जिसको थोड़ी देर समझ आएगा अच्छा लगेगा फिर वो भूल जाएंगे फिर सब गायब हो जाएगा तो वो तो नहीं करना ना एक महीने बाद नीट एग्जाम देना है राइट तो जस्ट सिट विद मी एंड गेटिंग जस्ट सॉल्व और अगर तुम्हारा जो भी प्रोजेक्टाइल इज यू विदिशियल टू ए आई प्लस जी ओके द रेंज ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट इज डबल द मैक्सिम हाई

नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रोजेक्टेड विद स्पीड मेकिंग डिफरेंट एंगल इक्वल हाँ तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है जिसको हम यही पढ़ लेते हैं हमारे लिए वो क्या है दो स्टोन रेंजेस है ना देखो हमारे पास जो रेंज होती है वो यू स्क्वेर साइन टू थीटा ओवर जी होती है ठीक है ये में बस रेंज होती है तो हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट पढ़ा भी होगा आप लोगों ने अगर आप थीटा पे फेको और 90 माइनस थीटा पे फेंको तो दोनों केस में मेरे पास रेंज सेम होने वाली है ओके तो अगर हम थीटा पे थ्रो करते हैं और नाइनटी माइनस थीटा पे थ्रो करते हैं तो दोनों केस में मेरे लिए रेंज सेम होने वाली है ये देखो तुमने थीटा पे थीटा रखा ना इसको एक बार चल नाइनटी माइनस थीटा भी रखते देखो तो यू स्क्र साइन twice of 90 minus theta divided by g इसको कैसे लोगे u square sin 180 minus 2 theta over g अच्छा तो sin 180 वाले थीटा कितना होता है sin थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में तो इसलिए पॉजिटिव आएगा तो विच इज u square sin 2 theta ही रह जाएगा ये वापस से जी तो क्या ये सेम ही इक्वेशन आ गई है सेम ही चीज मिल रही है तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है कि थीटा एंड 90 माइनस थीटा पे मेरे लिए हॉरिजॉन्टल रेंज सेम रहती है थीटा

ऐसा एक का दे दे भी दिया है pi by 3 दे रखा है रखा तो ये कितना हो जाएगा pi by 3 मतलब थर्टी मतलब डिग्री तो हो होगा ओके okay? तो इस इस केस में जो मैक्सिम हाइट जो अटेन करता है ना उसको वाई वन बोला है और इस केस में जो मैक्सिम हाइट जो अटेन कर रहा है उसको वाई टू बोला है तो वाई वन क्या होगा मैक्सिमम हाइट कितनी होती है

आ, ये कैसा किसका ओके okay, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है अपना इसको एक बार बाद में कवर करेंगे नहीं। इसको हम दूसरे केस पे आते हैं हमने जो अभी तक जो प्रोजेक्टाइल पढ़ा था वो ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया था और वो ग्राउंड पे लैंड किया था तो बेसिकली क्या था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल था ओके okay? हमने जो अभी तक प्रोजेक्टाइल किया था वो ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया था और वो ग्राउंड पे लैंड किया था अब हम क्या कर रहे हैं उसको एक हाइट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसमें थोड़ा बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बट

तो मैंने कुछ y डायरेक्शन की चीजों को डील करती हूँ अगर मैं y डायरेक्शन में देखू y डायरेक्शन में अगर मैं देखती हूँ तो एक्सिलेशन इन y डायरेक्शन जो होता है क्या वो मेरे लिए g है मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया कि हाँ है इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या है यहाँ पे तुम अगर ध्यान से देखोगे तुम अगर ध्यान से देखोगे तो हमारी जो वेलोसिटी है मैंने इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है

प्लस हाफ जी टी तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू एच ओवर जी का रूट ओवर की टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे लिए वो है जब वो वाई डायरेक्शन में एच डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है ओके okay? तो मेरे पास आ गया रूट टू एच ओवर जी ओके पास टाइम ऑफ फ्लाइट है ओके okay? चलो

जीडी को चलो उसको पॉजिटिव मान के चलते तो इस डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं ओके तो यू वेक्टर जो हो जाए किसी जनरल टाइम टी पर किसी जनरल टाइम पी पर अगर मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा तो वो यू आई कैप प्लस जी टी कैप एक सेकंड ना इसको शायद विजिबल नहीं होगा आप लोगों को इधर लिख देते दे थोड़ा दे दे सा ये बस क्या होने वाला है यू आई कैप प्लस जी टी कैप ओके

मुझे एक्सट्राशन का डिस्प्लेसमेंट निकालना है किसी जनरल टाइम टी पर ओके तो क्या मैं लिए सकती हूँ तो कितनी हो जाएगी यू इंटू टी हो जाएगी तो ये तो डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो गया भाई वाई डायरेक्शन के लिए कैसे लिखें वाई डायरेक्शन के लिए, कैसे लिए, कैसे लिए? लिए, लिए? इनिशियल है वो जीरो है ठीक है Y में जो इनिशियल है वो जी है y का है 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 वो g है. Y की ठीक है, y का acceleration है, वो g है. और वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकालना है मुझे कितना होने वाला है तो मैं कैसे निकालूंगी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी ठीक है है तो तो मेरा का का कितना हो गया? हाँ जी टी हो गया। तो देखो यही लिख लिख रहा का है। तो किसी टी पे लिख रहा किसी पे हो जाएगा और ये ये हाँ हो जाएगा ओके और और बस दो निकल गए और अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है तो तुम कैसे लिख दोगे यू टी नॉट आई कैप प्लस हाफ जी टी नॉट j कैप इस तरीके से लिख दोगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर तुम्हें लिखना है

ओके okay? ठीक है अच्छा अगर एक एक आपको इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट बताती हूँ देखो ध्यान देखें मैंने एक इक्वेशन डिराइव की थी जो कि कहा है ये इक्वेशन ऑफ़ प्रोजेक्ट इक्वेशन वाई इज इक्वल टू टेन थीटा

आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है अ बॉय टू जम्प फ्रॉम अ बिल्डिंग ए टू बिल्डिंग बी ओके हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए इज meter and मीटर एंड building बी इज 15 मीटर ओके okay? एक बॉय है जो बिल्डिंग ए से बिल्डिंग बी तक जंप कर रहा है और उस जो बिल्डिंग की हाइट है वो 25 मीटर है और दूसरे की है वो 15 मीटर है

इस क्वेश्चन को क्या हमें ऐसे भी रीड कर सकते कि जितने टाइम में उसने एक्स डायरेक्शन में फोर मीटर कवर किया है उतने ही टाइम में उसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ट्वेंटी फाइव मीटर हो चुका है ठीक है अगर एक्स डायरेक्शन में अगर सपोज वाई डैश में ट्वेंटी फाइव हो गया है और एक्स डैश में थ्री ही हुआ है तो वो कहीं यहीं पे गिर जाएगा तो बेसिकली सेफली लैंड करने की जस्ट कंडीशन क्या है जिस मूवमेंट पर वाई डैश का डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर हो गया है उस तो मूवमेंट पर एक्स डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर हो जाना चाहिए अगर ऐसा नहीं होगा उससे कम होगा तो वो कहीं यहीं पे बीच में गिर जाएगा तो, तो, तो गड़बड़ हो जाएगी ओके तो. Okay? तो मैंने तुझे बताया था कि एक्स का डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं वैसे मैंने ये पूरे फॉर्मूले लिखा दिए बट जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस एक्सप्लेन यू वन सेकंड एक्स में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू है इनिशियल एक्सीलरेशन कितना है एक्सिलेशन उसका थ्रू आउट जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे तो एक्स इज इक्व टू यू टी प्लस हाफ जी स्क्वायर तो बेसिकली एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो गया यू टी वाई डायरेक्शन में क्या लिखते हैं अपन वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो पर एक्सीलरेशन जी है तो y इज इक्व टू यू टी प्लस तो वाई जो हो जाएगा अपने पास वाई जो हो जाएगा वो हाफ जी टी जाएगा तो जिस टाइम टी पर एक्स का डिस्प्लेसमेंट चार है वाई का डिस्प्लेसमेंट है तो बेसिकली यू टी की वैल्यू अगर चार है तो हाफ जी टी की वैल्यू पच्चीस है कुछ मत करो इसको डिवाइड कर दो एक काम करो ठीक है ये यू और मेरा फोर है वो एक जैसा दिख रहा है पर थोड़ा तो सा आप समझ जाना कि ये यू टी है ओके तो इसको डिवाइड करोगे तो मेरे पास टी कैसे निकल आएगा? अच्छा टी तो निकलेगा नहीं मेरे पास पर टी को निकालने के तो लिए हमें दूसरे तरीके ढूंढने पड़ेंगे यू डिवाइड बाय बाय टू इज इक्वल टू फोर बाय ट्वेंटी फाइव ठीक है क्या ये बात क्लियर है हेलो सी एक सेकेंड हाँ चलो हमारे पास वाई की क्वेश्चन क्या थी ये थी ठीक है ये वाली

पहले तो क्वेश्चन को देख के बहुत घबराने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को एक एक लाइन रीड करते हैं टॉप ऑफ द टावर टावर है है ठीक है, बना लिया अपन ने जो कितना हाई है नाइनटीन पॉइंट सिक्स मीटर हाई है ठीक है वहां से हॉलजोंटली एक प्रोजेक्शन किया गया है और वो हॉर्जोंटली प्रोजेक्शन किया गया तो वो कुछ ऐसे जाएगा ये तो मैंने पढ़ रखा है और ये उसका लैंडिंग पॉइंट है ठीक है ंगल दिस लाइन मेक्स एन दस मिनट मेरे पास ये था ये मेरे पास प्रोजेक्टाइल था ओके okay? इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया था और प्रोजेक्ट करके इसको कुछ ऐसे रखा गया था ठीक है और वो बोल रहा है कि लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड मेक्स एंगल व्हाट 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल तो ये एंगल 45 है है ना नाउ द इनिशियल स्पीड इनिशियल स्पीड निकालनी कितना है अच्छा तुम्हें पता है कि ये 19.6 है अच्छा अगर ये एंगल 45 तो क्या ये एंगल भी 45 डिग्री होगा ओके अगर देखो अगर इस ये वाले ट्राइंगल में ये वाला जो ट्राइंगल ये दिस दिस वन वन एंड अगर इस वाले में ये एंगल फोर्टी फाइव डिग्री है तो क्या ये वाली हाइट और ये वाली हाइट इक्वल होगी कैसे इक्वल होगी भाई मुझे पता होता है टेन फोर्टी फाइव जो होता है वो वन होता है और टेन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो अगर ये वन है तो बेसिकली जो ये लेंथ है वही ये लेंथ है तो बस ये कितना निकल के आएगा नाइनटीन पॉइंट सिक्स निकल के आएगा ये भी ओके

अच्छा जी की वैल्यू कितनी होती है होती है से, से टाइम्स जाएगा तो टी कितना हो जाएगा टू हो जाएगा तो T की वैल्यू कितनी आ गई फोर पॉइंट नाइन मीटर पर सेकेंड निकल के आ गई तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन टू हो जाएगा ओके okay? आंसर क्या हो गया ऑप्शन टू हो गया

अब ये वाला ंगल वाला। वाला डिग्री है तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मेरे लिए जी टीन पॉइंट सिक्स और हाफ जी टी नाइनटीन पॉइंट सिक्स है जी किया यहाँ से टी निकाला टी टू से हाँ तो यू के लिए फोर पॉइंट नाइन मीटर पर सेकंड आए तो आंसर हो गया ऑप्शन टू ओके आई होप दिस इज क्लियर आगे बढ़ जाते हैं अब प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद वेलोसिटी वी एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एक प्रोजेक्टाइल है जो वी से थ्रो किया गया है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे जब ड्रोनेटर हाइट इक्वल टू डी हाफ ऑफ डी मैक्सिमम हाइट, वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी वुड बी, तो बेसिकली वो बोल रहा है कि ये मैक्सिमम हाइट होती है और प्रोजेक्टेल किसी हाफ ऑफ डी मैक्सिमम हाइट के पॉइंट पर है, बेसिकली कहीं यहाँ पे, ठीक है? तो वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिट मैक्सिमम हाइट होती कितनी है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g होती है तो बेसिकली हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट है बेसिकली y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 4g उसका हाफ है ना करेक्ट नाउ ये y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है क्या हाफ 2 gt स्क्वायर होता है क्या मेरे लिए 1/2 gt स्क्वायर होता है ये वैल्यू अच्छा एक काम करते हैं यहां से इससे अपन टी निकाल लेते हैं बट क्या टी निकालने से अपने को फायदा होगा हमें टी निकालने से इतना फायदा नहीं होने वाला है अगर मैं देखू अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा मेरा लगाऊन का डिस्प्लेसमेंट तो खैर इतना आ जाएगा यू स्क्र साइन स्क्वायर थीटर डिवाइड बाई फोर जी आ जाएगा मुझे पता है वाई डायरेक्शन में अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊ तो वी स्क्वायर टू यू स्क्स टू ए एस ओके वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए तो ये मैंने y डायरेक्शन के लिए लिखा है y डायरेक्शन की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है u साइन थीटा होती है प्लस हाफ माइनस g इंटू एस की वैल्यू कितनी है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय फोर ओके यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड यही चीज है मेरे पास तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा और अपने पास क्या बचेगा ये अपने पास साइन की फॉर्म में बच रहा है क्या हमारे को इसमें इससे कुछ फायदा हो रहा है हमको निकालना क्या है वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल निकालना है ओके okay. एक बार वापस से करते हैं चलो इसको शुरू से करते हैं लेट अस कंप्लीट इट शुरू से शुरू से स्टार्ट करते हैं ओके मेरे पास ये ऐसे प्रोजेक्टाइल है और उसको ऐसे थ्रो किया गया है ओके ये उसकी मैक्सिमम हाइट है एच मैक्स और वो किसी टाइम पर हाफ दी मैक्सिमम हाइट पर है यानी कि एच एच मैक्स बाय 2 पर है ठीक है तो हमको जानना है कि उस टाइम पर उसके वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना होगा ओके okay? तो अगर मैं लिखूं टू यू प्लस टू एस तो वी स्क्वायर इज इक्व स्क्टा का होल स्क्स टू इंटू एस एस डिस्प्लेसमेंट कितना कितना है मैक्सिम हाइट का हाफ है ना

तो बेसिकली कितना बचेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू ही बच जाएगा ओके तो मेरे पास वी के लिए कितनी आ जाएगी यू साइन थीटा बाय रूट टू आ जाएगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा ऑप्शन थ्री आंसर आ जाएगा ओके आई होप हमने करेक्ट किया है हमने इसमें कोई गड़बड़ नहीं किए वी स्क्वायर टू तो यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है तो वीक्वल्स टू तो यू साइन थीटा प्लस हाफ ए एस ए की वैल्यू माइनस जी है और ये एच बाई टू है तो मेरा ऑप्शन मोशन सर्कुलर मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे लिए बहुत आगे तक काम आने वाला है ठीक है तो बेसिकली होता क्या है, हमारे पास एक बॉडी होती है और वो एक किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट एक फिक्स डिस्टेंस

और किसी जनरल टाइम टी पर वो वहां पहुंच गए और फिर छोटे से टाइम इंटरवल में उसने उसने इतना सा डिस्टेंस कवर किया किया ये ओके ओके लेट्स से उसने सेंटर पे डी थीटा एंगल सबटेंड और उसकी स्पीड है देखो अब स्पीड कैसे निकालते हैं इस पे सर्कुलर मोशन में सर्कुलर जो मोशन होता है उसकी जो स्पीड होती है हमारे लिए वो हर पॉइंट पे टेंजेंशियल होती है तो इस पॉइंट पे अगर स्पीड ऐसे है तो इस पॉइंट पे स्पीड ऐसे होने वाली है

हमें ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट पढ़ते हैं देखो इसको भूल जाओ अभी एक, एक पहले तो जब भी भी मेरे पास कुछ ऐसा होगा वेलोसिटी है और कुछ एक्सीलरेशन है ठीक है और वो लड़ से उनके बीच कोई एंगल थीटा है तो ना एक्सीलरेशन के दो कॉम्पोनेंट कर लो एक तो अलोंग दी वेलोसिटी

इंक्रीजेस द मैग्निट्यूड ऑफ वेलोसिटी ए परपेंडिकता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ए परपेंडिकुलर है डायरेक्शन को चेंज करता है ए परपेंडिकुलर कभी भी मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं लेके आ सकता है ठीक है तो होगा क्या बेसिकली

तो मेरे पास अगर वेलोसिटी ऐसे है और इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है तो बेसिकली कोई ना कोई एक्सेलरेशन रहा होगा जो इसके परपेंडिकुलर रहा होगा जिसने इसकी डायरेक्शन को चेंज किया है ठीक है तो ये भी अपने दिमाग में रजिस्टर कर लो एक चीज तो नंबर वन ना हम पढ़ते पहले तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली यहां पे क्या है डी थीटा अब अगर इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं डी थीटा डी थीटा वेक्टर है अगर

अब इस डायग्राम में इसी डायग्राम में आ जाते हैं काम करते हैं इसी डायग्राम में वापस आते हैं और हम देखेंगे कि ये जो वेलोसिटी है ना ये जो स्पीड है ये स्पीड भी चेंज हो रही है मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन वाइज तो चेंज हो ही रही है

ओके okay? तो मैंने उसको वही चीज दी अच्छा हमारे पास एक रिजल्ट होता है v इज इक्व आर ओमेगा ठीक है एक रिजल्ट हमारे पास ये भी होता है v इज इक्व टू आर ओमेगा होता है ठीक है तो सेंटर बिटल एक्सिलेशन के वैल्यू वी स्क्वायर बाय आर है एक काम करो v को तुम रिप्लेस कर दो v को रिप्लेस कर दो आर ओमेगा से तो आर ओमेगा डिवाइड

लीनियर में पढ़ा था ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है लीनियर एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मीन लीनियर वेलोसिटी सिमिलरली एंगुलर एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी तो ये वही चीज है तो ये बेसिकली सॉरी ये जो दो चीजें हैं ये दो चीजें लीनियर वेलोसिटी को चेंज कर रही और ये एंगुलर वेलोसिटी को चेंज कर रही ओके शैल वी मूव अहेड आगे बढ़ जाए ओके okay. हमारा क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ओके द एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी एंगुलर एक्सीलरेशन सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट अ इंस्टेंट आर दिस 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 ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इनमें से कौन सा करेक्ट है ओके okay. पहले तो अपन है ना नहीं हमारा कुछ गड़बड़ सा हो गया क्या सर्कल नहीं बनाइए प्रॉपर एक सेकंड ठीक है ये मैं सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मैंने बताया था ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है अपनी ये मेरे पास लीनियर वेलोसिटी इस इंस्टेंट पर ठीक है इसको बोला मैंने ये लीनियर वेलोसिटी मेरे पास इंस्टेंट पर इसको बोला ना वी और मेरा ये ओमेगा कैसा होता है ओमेगा तुम्हें तो याद है कि अगर ये बॉडी ऐसे मूव कर रही है, तो ओमेगा की डायरेक्शन कैसी होगी ओमेगा की डायरेक्शन कैसी होगी

तो अल्फा की डायरेक्शन भी अपवर्ड होगी अल्फा की डायरेक्शन भी के के, के लॉन्ग होगी ओके, उस केस में। अच्छा सेंटर होगा तो होगा? तो ऐसे होगा, ओके। चार चीजें बोली। तो वी की डायरेक्शन तो ये मैंने बना दी, जो चेंज हो रही है ही है ठीक है और ओमेगा जो है वो के कैफ के, के, के है अल्फा जो है और सेंटर एक्सिलेशन टूवर्ड्स है जो कि मैंने बना दिया

तो डायरेक्शन कैसी हो गई परपेंडिकुलर हो गई तो हाँ क्योंकि ये ये हमेशा प्लेन में में है और ये के कैप इसीलिए ओके ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू अल्फा ऐसा कोई जरूरी नहीं है ऐसा कोई जरूरी नहीं है ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है जरूरी क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है इन द सेंस कि देखो अल्फा क्या होता है अल्फा जो होता है वो डी ओमेगा बाय डी होता है

तो ये ऑप्शन मेरे गलत हो गया परपेंडिकुलर नहीं है ओमेगा और अल्फा अब आगे आगे बढ़ जाते आगे कैसे इधर आ जाओ V वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एसी वेक्टर v वेक्टर इज वेक्टर मैंने कैसे बनाया था मैंने कुछ ऐसा बनाया था V वेक्टर ऐसे होता है और एसी वेक्टर ऐसे होता है

ओके okay? चलो आगे बढ़ जाते हैं एंगुलर वेलॉसिटी है. क्या होता है बिल्कुल अपने लीनियर वेलोसिटी जैसे कॉन्सेप्टी या फिर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी यहाँ पे देखो दो आंसर दे रखें तो डिग्रीज में दे रखे और रेडियंस में दे रखे तो एक रेवोल्यूशन में एक में तो टू पाई रेडियंस होते हैं या फिर थ्री डिग्रीज होते हैं मतलब दे वन दे तो, तो बोल रहा है कि भाई हंड्रेड टाइम पर मिनट तो वन मिनट में कितने रेवोल्यूशन हो रहे हंड्रेड रेवोल्यूशन हो रहे अच्छा तो वन मिनट मतलब में कितने रेवल्यूशन है हंड्रेड रेवल्यूशन हंड्रेड रेवल्यूशन मतलब 100 इंटू टू पाई रेडियंस करेक्ट तो इतने रेडियंस 60 सेकेंड में कवर हो रहा है तो ओमिया कितना हो जाएगा 100 इंटू टू पाई डिवाइड बाई सिक्सटी ये टू से थ्री गया तो ये 10 पाई बाय थ्री रेडियंस पर सेकेंड ठीक है अगर इसी को अपन डिग्रीज में लिखें तो हम लिखेंगे वन मिनट में

60 है। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो आई थिंक कुछ आंसर आएगा अपना पाई की वैल्यू अगर अपन रखते बचेगी हाँ, तो आंसर ये तो होना चाहिए ये रेडियंस तो वाला आंसर होगा ओके तो आंसर ऑप्शन टू हो गया ओके okay? चलो आगे बढ़ जाते हैं ये कुछ हमारे पास वेक्टर्स के फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूले है इसको ना ये सब शीट है ना हम टेलीग्राम ग्रुप पे फॉरवर्ड कर देंगे आप उसको चेक कर सकते हो ठीक है तो वी वेक्टर जो होता है वो ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर होता है थोड़ा तो सा समझ में कैसे है क्या ये सच में ट्रू भी है नहीं? वी, अगर मेरे इस पॉइंट पे वी वेक्टर ऐसे है तो मेरा आर वेक्टर कुछ ऐसे होगा ओमेगा क्रॉस आर तो ओमेगा ऊपर की तरफ है

तो तुम लिखोगे के क्रॉस आई करोगे के क्रॉस आई मतलब के क्रॉस आई कितना तहत जे होता है तो क्या ये मेरा जे डायरेक्शन में आना चाहिए तो ये चीज मेरी डायरेक्शन में आनी चाहिए तो वेक्रेस्ट वेक्रेस्ट तो वेलोसिटी वेक्टर मेरा डायरेक्शन में है दिस इक्वेशन ट्रू ओके ये तरीका था समझने का ओके अब हमारे पास एक चीज है एक्सीलरेशन वेक्टर एक्सीलरेशन वेक्टर मतलब क्या है हमारे पास एक्सीलरेशन वेक्टर होता क्या है डीवी वेक्टर डिवाइड बाय डी

इसको इसी फॉर्म में दो एक्चुअली इसी फॉर्म में रहने दो जो मेरा बेसिकली नेट एक्सेलरेशन हो गया ना जो लीनियर एक्सेलरेशन की बात हो रही है वो ओमेगा क्रॉस डी आर वेक्टर बाय डीटी सॉरी प्लस डी ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर ठीक है ये जो चीज हो गई है ये जो चीज है मेरे पास यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है और ये वाली जो चीज है मेरे पास ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है ओके

द लीनियर एंड द एंगुलर एक्सेलेरेशन द पार्टिकल आर दिस एंड दिस लीनियर एक्सेलेरेशन क्या होता है लीनियर एक्सेलेरेशन अपने पास होता है ए ओके ए लीनियर इन इट विल बी एट अ डिस्टेंस फ्रॉम दी ओके देखो v is to r ओमेगा होता है ना वैसे a is to r अल्फा होता है ठीक है v के लिए r ओमेगा होता है तो a की वैल्यू r अल्फा होती है तो उसने क्या लीनियर एक्सेलेरेशन क्या दे रखा है उसने 10 दे रखा तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 दे रखी है एल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी फाइव देर रखी के है तो टेन फाइव हो, हो जाएगा यानी कि हो जाएगा हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो आंसर क्या ऑप्शन टू ठीक है एज इक्वल टू आर एल्फा तो एल्फा आर की वैल्यू हो जाएगी ए पुट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट अ टाइप ऑफ अच्छा यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन करविलीनियर मोशन वेरी गुड तो उसमें कौन सा टाइप नहीं है देखो करविलीनियर तो है करविली मतलब मतलब करविलीनियर कर्व्स में मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ में तो करविलीनियर पाथ तो डेफिनेटली है वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन क्या वो वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन है भाई वो वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन होता है अच्छा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब होता है एक तो समझो यूनिफॉर्म सर्कुलर जो मोशन है उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, वो चेंज हो रही होती है तो बेसिकली अगर ये मूव करेगा लेकिन इसका सिर्फ मैग्नेट इसका सिर्फ मैगनीट्यूडेंट एक्शन मूवमेंट पे तो वेलोसिटी एज ए होल तो चेंज ही हो रही होगी बटनीट कॉन्स्टेंट है वो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो क्या ये वेरिएबल एक्सिलेरेटेड मोशन है

अच्छा आप लोग को यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आई एक ना को पर यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये बस कुछ ऐसा मोशन होता है दो तरह के एक्सिलेशन बनाते हैं एक तो एक बाईल ठीक है, वो होता है।, होता है, वो होता है। तो डीवी बाई डी टी तो मेरे को दे रखा है ना थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्ट्रीपिटलेशन कहता है वी कितना है

तो उसकी लेंथ दे रखी है स्ट्रिंग की मीटर, उसका टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 100 है, है? है है? है, न्यूटन ठीक और वो जो जो बॉडी कर रहा है, उसका मास कितना यानी कि ओके? Okay? अच्छा रोटेटिंग तुम ये हॉरिजॉन्टल टेबल ऐसे रोटेट कर इसको जो सेंट्रीपेटल एक्सलरेशन प्रोवाइड कौन करेगा हमने थोड़ा बहुत एनएलएम पढ़ रखा है हमने रिवीजन क्लासेस में नहीं पढ़ा है बट आई अज्यूम कि आप लोग सब नीट दे दो तो थोड़ा बहुत एनएलएम हमें आता है इसको सेंट्रीपेटल एक्सलरेशन देगा कौन इसको सेंट्रीपेटल एक्सलरेशन कौन देगा इसको सेंट्रीपेटल इसी स्ट्रिंग देगी ठीक है तो स्ट्रिंग की टेंशन बेसिकली एमवी स्क्वायर बाय आर होगी भाई स्ट्रिंग की टेंशन कितनी होने वाली है एमवी स्क्वायर बाय आर होने वाली है क्योंकि एम ए होता है ना फोर्स

बाद की बात हो रही है ओके तो टेंजेंशियल एक्सिलेशन निकालना है ओके तो जो होता है वो टेंजेंशियल एक्सिलेशन है और वो निकालना है जो कि कांस्टेंट है तो क्या मैं dv को यहां से a dt लिख सकती हूँ हाँ मैं लिख सकती हूँ यहाँ से अच्छा और ये टेंजेंशियल एक्सिलेशन है बेसिकली जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी है ओके अब वो बोल रहा है कि उसकी मीटर पर सेकंड होगी कब

वो टू रेवोल्यूशन के एंड की बात कर तो एक रेवोल्यूशन में टू पाई आर कवर कर दे तो टू रेवोल्यूशन में कितना हो जाएगा फोर पाई आर हो जाएगा ओके तो मेरे पास क्या हो जाएगा ए डी एक्स जीरो से फोर पाई आर इज इक्वल टू वी डी सॉरी वी को मैंने गलत लिख दिया जीरो से लेके एटी वी डी तो ए इंटू एक्स से लेके फोर पाई आर इज इक्वल टू से लेके एटी

इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओके तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है बेसिकली थीटा मेरे पास कितना है थीटा नॉट प्लस थीटा वन इंटू टी प्लस थीटा टू इंटू टी स्क्वायर तो ओमेगा कितना हो जाएगा डी थीटा बाय डी टी हो जाएगा यानी कि जीरो प्लस थीटा वन प्लस थीटा टू इंटू टू टी तो मेरे पास ओमेगा हो गया तो so, ओमेगा कितना हो गया थीटा वन प्लस टू थीटा टू इंटू ठीक है

We are, हम, इस के हम कर चुके हैं वी आर डन फॉर द डे नाउर इंस्ट्रक्शन टेलीग्राम चैनल यू मे चेक ऑल ऑफ दिसके बट दिसंट गिव यू दस की आप लोग यहाँ पे बैठ के क्वेश्चन ना करें ठीक है अगर इवन इफ आपके टीचर ये सब प्रोवाइड भी कर रहे हैं आपको ऑनलाइन सब कुछ अच्छे से इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये क्वेश्चन करें ना यहाँ पे बैठ के ठीक है ये आपको मिल जाएगा एज ए कंटेंट फेयर बट आपको क्वेश्चंस साथ साथ करते जाने हैं, जब आप करा रहे हैं नंबर टू क्योंकि ये बहुत ही हाई पीक टाइम है आपके जिस दिन का रिवीजन यहाँ पे होता है जिस चैप्टर का रिवीजन यहाँ पे होता है उसको आप घर जाके जरूर रिवाइज कर लो और रिवाइज इन द सेंस कि पूरा थ्योरी नहीं पढ़ना थ्योरी हम पढ़ चुके हैं ठीक है आपको उसके पीवाई फॉर श्योर सॉल्व करने ओके तो आप आप ना पीवाई करने का तरीका क्या है क्योंकि एग्जाम बहुत पास है तो ऐसा नहीं कि हम ना अपना नोटबुक खोल के बैठ गए और हम ऐसे दो घंटे लगा दिए और कुछ बीसी के से के जा रहे, तो वो गिविंग नो आप जब घर पे बैठ रहे हो तो टाइमर लगा करो फिजिक्स के पेपर में नीट के एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन एक मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं मिलता कुछ क्वेश्चन होंगे बट आप ऑन एन एवरेज मान के चलो कि आपको एक मिनट का ही टाइम मिलने वाला

आप मेक sure कि आप एक गो में मतलब ऐसे 2020, 2020 के या तीन सब्जेक्ट सेट बना सकते बना सकते सकते हो तो करनी पड़ेगी मुझे एग्जाम में जाके वो अचानक से नहीं होने वाला है सब कुछ ऐसा ओके नाउ दिस इज नंबर टू एंड इसके अलावा कुछ और बस रिवाइज करते रहो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब Okay, subscribe to the channel. Keep coming, keep doing questions. Okay, all the very best.